शायद मेरे को सुशांत या रिया किसने तुम मेरे को ढूंढा गूगल से, क्योंकि मैं तो एडवर्टाइज नहीं करता हूँ कभी, मेरा अभी 38 साल के तजुर्बे प्रैक्टिस में कभी मैं कहाँ भी इश्तेहार दिया नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन गूगल में मोहन जोशी जब डालते हैं तो मेरा नाम उपलब्ध होता है। तब शायद दो में से किसने तो भी वो ढूंढा, लेकिन रिया ने मुझे फोन किया और रिया ने फोन करके मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैं उसके घर में गया। उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का, उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे का, जहाँ मैं गया। मेरी ट्रीटमेंट, सॉरी, मेरा जो ब्लेसिंग कैसा है वो 5 मिनट रहता है, 2 या 5 मिनट, तो वहाँ मैं शायद 25-1 मिनट रुका होगा ना कि मैं, क्योंकि मुझे खाली स्पर्श करना है और प्रार्थना करना है एक प्रकार का, तो मुझे कोई ज़्यादा मालूम की भी जरूरत नहीं लगती। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा तब पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश हैं, 90% अच्छा है, तो हम आप आइए आज दोबारा और हमारे साथ लंच भी कीजिए। तो हमने तीनों ने लंच किया, बस उस दिन रुका होगा क्योंकि लंच का समय था। बस उसके बाद में मैं इनको बोला कि मेरे एक दिल्ली की पार्टी मेरे लिए आई है, जिनको कैंसर था, वो मेरे को उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे प्रेयर करने के, तो वो मेरे लिए आए थे कि मेरा कमिटमेंट था और मैं लाइफ में पैसे से ज़्यादा कमिटमेंट को ध्यान देता हूँ। तो मैं बोला इसके आगे मैं नहीं आऊँगा, आपको आना है तो आपको थाना आना पड़ेगा। उस दिन के बाद में हमारा कोई भी ताल्लुकात नहीं, उनको आना था उन्होंने आए नहीं। मेरा नाम मोहन सदाशिव जोशी है और मैं स्टेट बैंक से रिटायर हुआ हूँ, और ये स्पर्श से उपचार करने का जो मैं काम करता हूँ, वो मैं योगा योग से ये लाइन में आया हूँ। मेरे एक कलीग थे जिनको गैंग्लियन हुआ था, और गैंग्लियन को इंफीरियर में बोला जाता है, उनके एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो अच्छे हुए, जब मैं ये काम चालू किया, ये बात है 1982 की, तो जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, बिना मूल्य कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ, पैसा आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ये दृष्टि से करता हूँ। पैसे के लिए मैं कभी अभी तक लाइफ में काम नहीं किया। तो मैं मेरा एक हाथ मस्तिष्क पे रखता हूँ और एक पीठ पे रखता हूँ, और मेरे हाथ से ऊर्जा निकलती है, वो बॉडी को एक्टिवेट करती है, बॉडी में इतनी पात्रता होती है, वो सब बीमारी ठीक कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं कुछ नहीं करता हूँ, खाली 2 या 4 मिनट मस्तिष्क पे हाथ लगाता हूँ और स्पाइन पर हाथ लगाता हूँ, और इच्छा करता हूँ ये आदमी अच्छा हो जाए, बस।